नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरीली आवाज के जादूगर, मेलोडी किंग, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक सब्बीर कुमार साहब का। और दोस्तों, आज है सब्बीर कुमार साहब का जन्मदिन, तो आज हम लोग सब्बीर कुमार साहब के जन्मदिन स्पेशल में हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब और सब्बीर कुमार साहब के एक ऐसे गीत के बारे में बात करने वाले हैं जिस गीत की धुन वही थी और अल्फाज जो है वो अलग अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो बॉलीवुड में से बहुत सारे गीत हैं जिन गीतों के धुन जो थे वो वही थे, लेकिन उनके जो अल्फाज हैं, गीत के जो बोल हैं वो अलग अलग हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसे ही गीत लेकर आया हूँ जिस गीत के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसी गीत के धुन पर ही अजीज साहब ने भी अपनी आवाज़ दिया है और सब्बीर कुमार साहब ने भी अपनी आवाज़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 1984 की फिल्म भाभी का आशीर्वाद याद ही होगा, और इस फिल्म में सब्बीर कुमार साहब ने एक गीत गाया है। गीत के बोल हैं, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। इस गीत को बहुत अपनी दर्द भरी आवाज़ में सब्बीर कुमार साहब ने दिलीप दत्ता साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दिया है, और इस गीत का लिरिक्स गुमराह कायनाटी साहब ने दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, आप लोगों ने गीत सुने ही होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है इसी गीत के धुन के लय पर ही हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने भी अपनी आवाज़ दिया था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाया था वो अनरिलीज थी। जी हाँ, गीत के बोल हैं, जख्म अपनों से मिलेंगे ये तो सोचा ना था। जी हाँ दोस्तों, इस गीत के लिरिक्स जो है वो अलग है, लेकिन इसका लय और धुन वही है, और दोनों ने बाखूबी से गाए हैं। वैसे तो मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाया था वो 1998 की फिल्म अजनबी साया में रिलीज होने वाला था, लेकिन दोस्तों ये कुछ कारणों की वजह से इस गीत को इस फिल्म में नहीं रखा, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन मोहम्मद अजीज साहब के आवाज़ को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए पहले हम लोग ये गीत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इन गीतों के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत गीत सब्बीर कुमार साहब के बहुत ही खूबसूरत आवाज में सुनते हैं। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब ये बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब के बहुत ही दर्द भरी आवाज में सुनते हैं। जख्म अपनों से मिलेंगे ये तो सोचा भी न था। तो यही गीत है दोस्तों जिसे मोहम्मद अजीज साहब और सब्बीर कुमार साहब दोनों ने अपनी आवाज दी है। इस गीत का धुन और लय वही है, बस इसका जो लिरिक्स है वो अलग है, और इन दोनों गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार दिलीप दत्ता साहब ने ही दिया है। और दोस्तों, आज ही दिलीप दत्ता साहब का भी जन्मदिन है। यूँ तो दिलीप दत्ता साहब के संगीत में मोहम्मद अजीज साहब ने कई ऐसे हिट गीत दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, और सब्बीर कुमार साहब ने भी कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें दिलीप दत्ता साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगा, इसी धुन पर ही कुमार सानू साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप लोगों को 1998 की फिल्म अजनबी साया तो याद ही होगा, और गीत के बोल हैं, आके मंजिल पे दगा दोगे ये तो सोचा भी न था। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को कुमार सानू साहब ने गाया है, और इस फिल्म का संगीत भी दिलीप दत्ता साहब ने ही दिया है, और लिरिक्स गोपी पिंटल साहब ने दिया है। आप लोगों को महाभारत का शगुनी तो याद ही होगा, जी हाँ वही गोपी पिंटल है जिन्होंने इस गीत को लिखा है, और ये गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। इस गीत का धुन वही है, लेकिन इसका लिरिक्स जो है वो अलग है। आके मंजिल पे दगा दोगे, और ये गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। इस गीत का धुन वही है, लेकिन इसका लिरिक्स जो है वो अलग है। तो दोस्तों, दिलीप दत्ता साहब ने उसी धुन पर ही ये तीनों गायकों से जो है वो सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए हैं, मोहम्मद अजीज साहब, सब्बीर कुमार साहब और कुमार सानू साहब से, और इन तीनों गीतों का धुन जो है वो वही है, और इसका लिरिक्स जो है वो अलग अलग है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों गीतों को फुल सुनना चाहेंगे तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ये गीत जो है वो फुल ज़रूर सुनेगा।
जी हाँ दोस्तों, मैं तो वीडियो में आप लोग को थोड़ा थोड़ा सुना रहा हूँ, तो आप लोग को क्या पता चलेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहाँ से इन तीनों गीतों को फुल सुनिए, फिर उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इन तीनों बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध सिंगरों के आवाज़ में ये गीत जो है वो कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया धुन है और इन तीनों सिंगरों ने बहुत ही अपनी बेहतरीन आवाज़ में अपनी आवाज़ दिए हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है ये जानकारी जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक शब्बीर कुमार साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से शब्बीर कुमार साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही सुप्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप दत्ता साहब का आज ही जन्मदिन है, तो हम लोगों की तरफ से दिलीप दत्ता साहब को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।